नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। हेलीकॉप्टर विवाद में कूदे सीएम अरविंद केजरीवाल, मोदी सरकार को दी चुनौती, कहा सोनिया गांधी को गिरफ्तार करें, मैं होता तो आधे घंटे में गिरफ्तार करवा देते। नीतीश के समर्थन में उतरे एनसीपी प्रमुख शरद पवार, एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा राहुल गांधी नहीं नीतीश कुमार हो सकते हैं 2019 में पीएम पद के उम्मीदवार। कारोबारी विजय माल्या ने एक अंग्रेजी अखबार को कहा वो यूके नहीं छोड़ेंगे और मेरी गिरफ्तारी से पैसा नहीं मिलेगा। मुंबई में भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई को हिरासत में लेने के बाद छोड़ा गया, सीएम फडणवीस से मिलने की मांग कर रही थी तृप्ति। अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में गूंजेगी पीएम मोदी की आवाज, पीएम को मिला संयुक्त बैठक को संबोधित करने का न्योता। रियो ओलंपिक के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं सचिन तेंदुलकर, सलमान खान विवाद के बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने सचिन को दिया न्योता। आईपीएल के अहम मुकाबले में मुंबई ने कोलकाता को 6 विकेट से दी मात। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें, देखते रहिए जीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।